भीमा शंकर टेम्पल, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक के मंदिर के प्रांगण के अंदर हूँ। आप देख सकते हैं कि कितनी कितनी गहराई के अंदर है, मतलब एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ना पड़ता है और फिर पहाड़ी के बाद आपको फिर से नीचे उतरना पड़ता है। चारों तरफ पहाड़ी है। इधर राजेश सर आ चुके हैं। बहुत शानदार नज़ारा। यहाँ से आपको कुछ सीढ़ियाँ उतरनी पड़ेगी। सीढ़ियों से मैं पहाड़ के ऊपर से कहीं से झरना बहता हुआ आता है, उसका छोटा सा एक पार्ट यहाँ पे आता है जिसको पार करके आपको जाना पड़ता है। बेहद ही खूबसूरत, आप देख सकते हैं उधर नज़ारा, बहुत शानदार। बहुत सारे शिवा के भक्त भी आपको नज़र आ रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भीमा शंकर गुवाहाटी से मात्र चार किलोमीटर दूरी पर। अभी सावन का महीना चल रहा है इसलिए काफ़ी भक्त जन मंदिर आते हैं। और बिल्कुल प्रकृति के बीच में, चारों तरफ से प्रकृति से घिरा हुआ झरना बह रहा है और भक्त जन बिल्कुल आनंद लेते हुए भक्ति में लीन। बहुत शानदार नज़ारा। और मैं आपको दिखा रहा हूँ इधर आप पहाड़, आप देखिए ग्रीनरी, और इधर पहाड़ की हाइट इतनी ज़्यादा है कि आपको डायरेक्ट दिखाई भी नहीं देगा। बहुत ही शानदार जगह। और इधर हमारे राजेश देवेंद्र सर आज नया कुर्ता पजामा। देख सकते बहुत ही शानदार व्यवस्था है यहाँ पे है। बहुत सारे भक्तजन मेरे पीछे लाइन में आ रहे हैं। आपको ऐसे लाइन पार करके काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है और इस लंबी लाइन में आपको कुछ दूरी तय करने के बाद आपको मंदिर या जहाँ पर शिवलिंग है वो वाली जगह आती है। आप देख सकते हैं कि कुछ लोग यहाँ जो झरने वाला पार्ट है वहाँ पर अपने पैर धो रहे हैं, बैठे हैं, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर रहे हैं और काफ़ी मनोरम दृश्य है। भगवा कलर चारों तरफ दिखाई दे रहा है, बहुत ही शानदार हनी। बहुत ही अच्छा पहाड़ है, बहुत ही बड़े बड़े और लंबे पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। जो वनों की सघनता है वो बहुत ज़्यादा है। और ये जो भीमा शंकर है आसाम मेघालय बॉर्डर पर बिल्कुल बिल्कुल बॉर्डर पर स्थित है। आपको ध्यान होगा गुवाहाटी शहर भी मेघालय और असम के बॉर्डर पर है। राजेश देवेंद्र सर, सर जी एक तरीके से जो भगवा कलर है भगवे में रहना पसंद करते हैं क्योंकि भगवान शिवा के बहुत तगड़े भक्त हैं। चेहरे पर भगवान शिवा की तरह ही मुस्कान और रखे हुए हैं। शोल्डर पर त्रिशूल भी इन्होंने बनवाया है गोवा में। कौन से? हाँ, इधर राजस्थान से बहुत सारे भक्त जन आए जिनको देख के लग रहा है राजस्थान की। देख सकते भक्तों की काफी लंबी लाइन लगी हुई है और चारों तरफ प्रकृति की ग्रीन चादर में भगवा कलर बहुत ही शोभनीय लग रहा है। और इधर से भी सीढ़ियाँ है जो आउटगोइंग है, आप मंदिर या शिवलिंग के दर्शन करके जब प्रस्थान करते हैं यहाँ से तो ये सीढ़ियाँ आपके पास बनी हुई है। ये सीढ़ियाँ फिर से आपको पहाड़ी की चोटी पर ले जाती है, वहाँ से आपको उतरना पड़ता है। बहुत शानदार नज़ारा।